स्वागत है आप सभी का। तो साथियों, जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे, आप लोगों के लिए रेगुलर बेसिस पर एक क्लास लाई जाती है जो कि दिल्ली पुलिस SCM, दिल्ली पुलिस AWTPO और CISF SCM के लिए विशेष है। तो साथियों, जैसा कि आप लोग जानते हो, आप लोग इसमें साइंस का क्वेश्चंस करते हो टॉपिक वाइज। साथियों, आज का टॉपिक है बहुलक एवं ईंधन, यानी बहुलक एवं ईंधन से जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट बनते हैं आज के इस वीडियो में आप लोग करोगे, साथ के साथ उनका इंपॉर्टेंट फैक्टर्स भी जानोगे। तो साथियों, चलिए पहला क्वेश्चंस आप लोग देखिए। आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, पहला क्वेश्चन है एक प्राकृतिक बहुलक नहीं है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी ऑप्शन नायलॉन। साथियों, आप सभी को मालूम होना चाहिए बहुलक क्या है और फिर मालूम होना चाहिए प्राकृतिक बहुलक क्या है और कृत्रिम बहुलक क्या है। तो साथियों, पहले हम आप सभी को बता दें प्राकृतिक बहुलक और कृत्रिम बहुलक से पहले बहुलक क्या है। साथियों, बहुलक उच्च अणुभार वाले बड़े अणु होते हैं जो सरल अणुओं के परस्पर संयोग से बनते हैं। सरल अणुओं के संयोजन की यह प्रक्रिया बहुलकीकरण यानी पॉलीमराइजेशन कहलाती है। ऊन, रेशम, चमड़ा, प्राकृतिक रबड़, सेलुलोज आदि प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले बहुलक हैं। इसके अतिरिक्त साथियों, कृत्रिम अथवा संश्लेषित बहुलकों का निर्माण जो कि होता है प्लास्टिक जो है और पॉलीथीन, टेफ्लॉन, नायलॉन, बैकेलाइट, PVC कृत्रिम रबड़ कहलाते हैं। अब आ जाइए फ्रेंड्स अगले क्वेश्चंस की तरफ। साथियों, क्वेश्चंस है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, आप लोग देख पा रहे होंगे। साथियों, क्वेश्चंस है आप लोगों का, बहुलक जो विशेषता बर्तनों पर ना चिपकने वाली सतह के रूप में प्रयुक्त होता है। साथियों, आप लोग ने देखा होगा बर्तनों पर एक कालिक पोती रहती है अक्सर, जो बहुत ही चमकदार होती है। साथियों, वह जलने से बचाती है, बर्तनों को जलने से बचाती है। तो साथियों, वही क्वेश्चंस का कहने का मतलब है कि वह क्या होता है। तो साथियों, इस क्वेश्चंस का राइट आंसर बी ऑप्शन टेफ्लॉन होता है। साथियों, पॉली टेट्रा फ्लोरो एथिलीन को सामान्यतः टेफ्लॉन के नाम से जाना जाता है, जो एक संश्लेषित बहुलक है। यह अत्यंत कठोर, चिकना एवं गैर प्रतिक्रियाशील पदार्थ है। साथियों, अब आ जाइए फ्रेंड्स अगले क्वेश्चंस की तरफ। साथियों, अगला क्वेश्चन है बुलेट प्रूफ कांच बनाने के लिए कौन सा बहुलक प्रयुक्त होता है। तो इस क्वेश्चन का साथियों राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन पॉलीकार्बोनेट्स। पॉलीकार्बोनेट्स का प्रयोग होता है बुलेट प्रूफ कांच को बनाने के लिए। अब आ जाइए फ्रेंड्स इसके बारे में थोड़ा जानिए। पॉलीकार्बोनेट थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स का एक समूह है। साथियों, यह एक कठोर व पारदर्शी प्लास्टिक है जो बिस्फेनॉल ए तथा फॉस्जीन की अभिक्रिया से प्राप्त किया जाता है। अब आ जाते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। साथियों, क्वेश्चंस है स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, एक प्राकृतिक बहुलक है। साथियों, एक प्राकृतिक बहुलक क्या है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी ऑप्शन सेलुलोज। तो साथियों, हम आप सभी को बता दें सेलुलोज लकड़ी, रेशम, त्वचा, चमड़ा आदि प्राकृतिक बहुलक है, जबकि बैकेलाइट, PVC एवं नायलॉन एक कृत्रिम बहुलक है। अब आ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है PVC जिसके बहुलकीकरण द्वारा प्राप्त किया जाता है। तो साथियों, PVC जिसके बहुलकीकरण के द्वारा प्राप्त किया जाता है, किसके बहुलकीकरण के द्वारा। तो डी ऑप्शन राइट आंसर विनाइल क्लोराइड के द्वारा। साथियों, विनाइल क्लोराइड के जो कि बहुलकीकरण के द्वारा PVC को प्राप्त किया जाता है। अब यह PVC क्या है। PVC एक कृत्रिम बहुलक है साथियों, जो विनाइल क्लोराइड यानी C2H3Cl के बहुलकीकरण के द्वारा प्राप्त किया जाता है। यह विद्युत का कुचालक, जल प्रतिरोधी एवं अत्यंत शक्तिशाली बहुलक है। आ जाइए अगले क्वेश्चन की तरफ। साथियों, क्वेश्चन है कौन सा बहुलक बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में उपयोग किया जाता है, यानी बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में कौन सा बहुलक प्रयोग किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर साथियों हो जाएगा बी ऑप्शन पॉलीएमाइड।
पॉलीएमाइड का प्रयोग साथियों बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में प्रयोग किया जाता है। आ जाइए अगले क्वेश्चन की तरफ साथियों, जिसका उपयोग पॉलीथीन के संश्लेषण में किया जाता है वह है किसका उपयोग साथियों, मतलब क्वेश्चन का कहने का मतलब है किसका उपयोग पॉलीथीन के संश्लेषण में किया जाता है। तो साथियों आप लोग जानते ही होंगे पहले से, वेरी सिंपल क्वेश्चन है, डी ऑप्शन एथिलीन का प्रयोग जो कि पॉलीथीन को संश्लेषण करने में किया जाता है, यानी पॉलीथीन को बनाने में किया जाता है। साथियों मालूम होना चाहिए आपको पॉलीथीन एथिलीन के बहुलकीकरण द्वारा बनाई जाती है। पॉलीथीन विद्युत का कुचालक, नम्य व जल प्रतिरोधी होता है। जी हाँ फ्रेंड्स, अब आ जाते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। साथियों क्वेश्चंस हैं, आप लोग देख पा रहे होंगे क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। निम्न में से कौन प्राकृतिक ईंधन है साथियों, जैसा कि आप लोग जानते होंगे इस क्वेश्चंस का आंसर डी ऑप्शन है पेट्रोलियम। साथियों पेट्रोलियम पदार्थ प्राकृतिक ईंधन के अंतर्गत आते हैं। ये पृथ्वी के आंतरिक भाग में दबे जीवाश्मों से निर्मित होता है, यानी पृथ्वी पर उथल पुथल के कारण जितने भी जीवाश्म दब चुके थे उसी से उत्पन्न होता है पेट्रोलियम। पेट्रोलियम एक प्राकृतिक बहुलक है। अब आ जाते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ साथियों, क्वेश्चंस है मोमबत्ती की ज्वाला के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी ऑप्शन एक और दो दोनों सही है, यानी दोनों वाला ऑप्शन सही है। साथियों इसके दीप्त में बिना जले कार्बन कण उपस्थित होते हैं, और दूसरा वाला ऑप्शन इसका अदीप्त क्षेत्र सबसे अधिक गर्म होता है। अब आ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ साथियों, क्वेश्चंस हैं जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे बायोगैस में मुख्यता होती है, यानी बायोगैस में क्या मुख्यता होती है। तो इस क्वेश्चंस का राइट आंसर डी ऑप्शंस है कार्बन डाइऑक्साइड व मीथेन होती है। अब यह बायोगैस क्या है आप लोगों को मालूम होना चाहिए, बायोगैस एक जैव ईंधन है यानी बायो फ्यूल है जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जैविक अपशिष्ट अर्थात गोबर, फसलों का अपशिष्ट भाग या फलों व सब्जियों की छिलके, मल आदि के अपघटन यानी डीकम्पोजिशन से उत्पन्न होता है। साथियों वही है गोबर गैस, यह एक बायोगैस है। साथियों आ जाइए अगले क्वेश्चंस की तरफ आ जाइए, क्वेश्चंस देखिए साथियों, क्वेश्चंस है भारी मोटर वाहनों के लिए ईंधन के रूप में डीजल तेल अधिक प्रयोग किया जाता है क्योंकि। साथियों जैसा कि आप लोग जानते होंगे भारी मोटर वाहनों में जितने भी भारी भारी वाहन हैं सब में डीजल का प्रयोग किया जाता है, तो आखिर क्यों, क्वेश्चन का यही कहने का मतलब है। तो साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी ऑप्शंस, उसमें अधिक क्षमता होती है और उससे ईंधन की बचत होती है। साथियों भारी वाहनों में ईंधन के रूप में डीजल का प्रयोग किए जाने का सामान्यतः दो कारण हैं। डीजल में कम गति की दहन का गुण होता है, यानी धीरे धीरे वह जलता है डीजल, और साथियों दूसरा जो है भारी वाहनों के इंजनों का दबाव अनुपात पेट्रोलियम इंजनों की अपेक्षा अधिक होती है, इसलिए ईंधन की बचत होती है। अब आ जाइए अगले क्वेश्चंस की तरफ साथियों, क्वेश्चंस है खाना बनाने के लिए घरों में प्रयोग किए जाने वाली गैस एक मिश्रण है, वेरी सिंपल क्वेश्चन साथियों। इस क्वेश्चंस का राइट आंसर सी ऑप्शंस ब्यूटेन व प्रोपेन, ब्यूटेन व प्रोपेन का मिश्रण है LPG जो कि खाना बनाने वाला गैस है। साथियों घरों में खाना बनाने के लिए द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस यानी LPG का प्रयोग किया जाता है। LPG एथेन प्रोपेन ब्यूटेन का मिश्रण है। अब आ जाइए अगले क्वेश्चंस की तरफ साथियों, क्वेश्चंस है पेट्रोलियम की गुणवत्ता किससे अभिव्यक्त की जाती है, यानी पेट्रोलियम की गुणवत्ता किससे जांची जाती है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी ऑप्शन ऑक्टेन संख्या से। साथियों आप सभी को मालूम होना चाहिए ऑक्टेन संख्या तथा सीटेन संख्या दोनों का प्रकार प्रयोग ईंधनों की गुणवत्ता
व्यक्त करने के लिए किया जाता है। साथियों, ईंधन की गुणवत्ता जब भी व्यक्त करना होती है या तो ऑक्टेन संख्या से जो कि व्यक्त की जाती है या तो सीटेन संख्या से। अब आज ये साथियों हम आप सभी को बता देते हैं, ऑक्टेन संख्या के माध्यम से स्पार्क प्रज्वलनशील अंतरिक्ष दहन का इंजनों के प्रयोग किए जाने वाले ईंधनों का साथियों जांच की जाती है। अब आ जाते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। साथियों क्वेश्चन है, पेट्रोल द्वारा लगी आग को बुझाने में जल अप्रभावशाली रहता है क्यों? यानी जल क्यों अप्रभावशाली रहता है पेट्रोल की लगी आग को बुझाने के लिए? इस क्वेश्चन का साथियों राइट आंसर हो जाता है डी ऑप्शंस। यानी पानी और पेट्रोल चूँकि एक दूसरे में अघुलनशील हैं तथा पेट्रोल पानी के ऊपर जलने हेतु लगातार जो कि परत बनाता रहेगा। अब आ जाते हैं इसके अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। साथियों निम्नलिखित में से किसका प्रयोग नोदक या रॉकेट में ईंधन के रूप में किया जा सकता है? साथियों इस क्वेश्चन का आठवें का राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, द्रव हाइड्रोजन प्लस द्रव ऑक्सीजन। यानी द्रव हाइड्रोजन एंड द्रव ऑक्सीजन का प्रयोग नोदक या रॉकेट में ईंधन के रूप में किया जाता है। आ जाइए अगले क्वेश्चन की तरफ। गाड़ियों को चलाने के लिए हाइड्रोजन गैस सुविधाजनक रूप से ईंधन के रूप में प्रयोग में लाई जा सकती है यदि वह कम ताप पर किसी पदार्थ द्वारा अवशोषित कर ली जाए ताकि वह निर्वातक द्वारा उत्पन्न तापमान पर मुक्त हो सके, यह अवशोषक पदार्थ कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का साथियों राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, हाइड्रोजन है। साथियों गाड़ियों को चलाने के लिए हाइड्रोजन गैस सुविधाजनक रूप से ईंधन के रूप में प्रयोग में लाई जा सकती है यदि वह कम ताप पर किसी पदार्थ द्वारा अवशोषित कर ली जाए ताकि वह निर्वातक जो कि द्वारा उत्पन्न तापमान में मुक्त हो सके, तो वह अवशोषक पदार्थ कौन सा है? तो आपका राइट आंसर एक ही है, ए ऑप्शन। अब आ जाइए अगले क्वेश्चंस की तरफ। लास्ट क्वेश्चंस वेरी महत्वपूर्ण साथियों। विमानन ईंधन में ग्लाइकॉल मिलाने के क्या कारण हैं? तो साथियों इस क्वेश्चंस का राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शंस, पेट्रोल के हिमकरण को रोकता है। यानी पेट्रोल जमने लगती है उस जमने को रोकता है विमानन के ईंधन में ग्लाइकॉल मिलाने का साथियों साधारणता यही रोल है। अब आज यही क्वेश्चंस लास्ट था। तो वीडियो कैसा लगा नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट्स करें। चैनल पर नए हो तो साथियों चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा जिससे आपको हर इन्फॉर्मेशन और इसी तरह के क्लासेस मिलता रहे। साथियों दोस्तों के साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा जिससे समस्त दोस्तों को बेनिफिट हो सके। फिर मिलेंगे, चलिए थैंक यू।